अत्याचार बंद करो, टेलीविजनों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अलजी साहब होश में आओ, अलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तमाम टेलीविजन को पक्का करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। मजदूरों का वेजेस को पक्का करो, पक्का करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। टेलीविजन पे अत्याचार बंद करो। मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट, आज हमारा धरना प्रदर्शन लगातार 234 दिन से जारी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं। हम सरकार से कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं, हम वही मांगे दोहरा रहे हैं जो पिछले 15 साल से जितनी भी सरकारें सत्ता में रही सबने ये माना है कि ये मांगे जायज है और इनका हल किया जाएगा। यहाँ तक कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी खुद दो बार इन मांगों को जायज मान चुके हैं और हमारे साथ वादा कर चुके हैं कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपके मांगों का हल किया जाएगा, लेकिन आज तक हमारे मसले का किसी का भी हल नहीं निकला, ना पेंडिंग वेजेस, ना रेगुलराइजेशन पॉलिसी। हमारी मांग है और एलजी साहब से ये अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द डेली वेजर की रेगुलराइजेशन पॉलिसी अनाउंस की जाए, वरना आने वाली 13 तारीख को हमारी एक जनरल बॉडी की मीटिंग होने जा रही है जिसमें अगले कार्यक्रम की घोषणा जो है वो कर दी जाएगी। और अगर 28 जनवरी की तरह फिर जम्मू के ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती है तो उसके लिए एलजी प्रशासन और एलजी साहब पर्टिकुलर जिम्मेदार होंगे, पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।